कोई बात नहीं, हमारी जगह, हमारी सरकार की जगह, हमारे बालक खेलेंगे यहाँ। आगे हम भैया तू हमारे काय हमारे बालक बताओ बताओ बताओ। ये आधी बिल्डिंग भी वहां में आ रही है गांव समाज में, और ये पारक गांव समाज है, ये गौ चारा था। हाँ, गौ चारण, इसमें कम से कम 1000 गाय गढ़ रही होगी गौशाला के। हमारे कब्जा खाना माखन वाला कर रहा है। अब क्या हुआ यहाँ पे अम्मा? अब ये बच्चे ने विरोध उठाया है, विरोध के संग तोड़ा फोड़ी भाई। अच्छा, कितनी देर कॉलेज वालों ने क्या किया यहाँ पे? कॉलेज वाले ने की, मैं तो पीछे आई हूँ, मुझको मालूम नहीं है। दीवार किसने बनाई है? दीवार खाना माखन वाले ने बनाई। और घेरी किसने? घेरी बच्चे ने, गाँव के ने। नहीं, इस तरीके का नहीं है एक्चुअली, ये विवादित है पहले से ही। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये पूरी तरीके से जिस तरीके से कर रहे थे उसमें अगर हम भी बल प्रयोग करते, अगर पुलिस प्रशासन बुलाते, और पूरे इसके कागज़ मौजूद हैं मेरे पास इस तरीके के। हाँ, कुछ पार्ट इसका है जो कि आज तक इसमें डिस्प्यूट है, वो क्लियर कभी भी नहीं हो पाया। उस वजह से इनका ये मानना है कि हम इस पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, और हमारा अपना मानना है कि नहीं, हम अपनी चीज़ को अपने पास ले रहे हैं। इस वजह से आज पूरा मॉब था और बच्चे यहाँ पढ़ ही रहे थे, आपको पता ही है, विद्यालय के अंदर, और इन्होंने ये पूरी दीवार गिराई है। है तो कष्ट का विषय सबके लिए। अगर बैठ के बात करते समझते कि हाँ भाई कितना इनका मतलब इसमें, मतलब मॉब को भी राइट नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि राइट तो प्रशासन का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का राइट तो है ही नहीं है किसी भी तरीके से। पर जो इन्होंने किया है वो ठीक है, अब कष्ट है, हो गया, अब काम ख़त्म है इस समय। बाकी जो चीज़ें हैं हमारे पास, इसके पूरे तरीके से प्रमाण है, जो जहां हम स्थापित हैं हम अपनी जगह पे स्थापित हैं। लेकिन ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं सर कि जी बिल्कुल, आरोप धीरे धीरे आगे बढ़ाते ला रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो इनकी समझ जहाँ तक है वो वहाँ तक अपना बात रखेंगे, जो चीज़ हमारी समझ से हम उसको अपने पास रखेंगे। तो जो इनकी समझ थी, जो उन्होंने उस तरीके से अपनी समझ से इस पर कार्रवाई करते हुए इस काम को किया, हमारी समझ अब इसके बाद है। हम इसके बाद जो अपने पेपरों को जहां कोर्ट में यहां जहां भी पेश करेंगे वहां लेकर के इसे दोबारा स्थापित करने की कोशिश। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जहां बिल्डिंग है केवल उतना हिस्सा स्कूल का है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके पूरे मेरे पास पेपर हैं, अगर मैं इस समय भी चाहूँ तो ये हाथ नहीं लगा सकते उस चीज़ को, क्योंकि ये मॉब है, इन्होंने कर लिया है इस तरीके से। क्योंकि इस, अगर इस कॉलोनी की भी एंट्रेंस देखें तो ये भी जगह मेरे अपने रास्ते में से दी हुई है। इसमें कितने लोग घुसे आए थे? सर, इस संख्या तो पता ही नहीं है, मॉब की कोई गिनती नहीं होती है। थे 100, 200, 300 लोग होंगे, और पूरी प्लानिंग के साथ थे। मतलब एक कहीं भी कोई डिस्कशन करना या कुछ तरीके के उस विचार के साथ आए ही नहीं थे, तो अपना एक वेल सेट, पता नहीं कब से कर रहे थे इस तरीके की प्लानिंग, और वो करके हो सकता है, इनको खुद को भी उससे हार्म हो सकता था कि अगर कोई गेट गिर जाए, कोई सरिया इनके ऊपर ही लग जाए तो उसका भी आरोप दे, तो कल फिर हम भी लगा देते कि साहब वो भी हमारी वजह से गिर गया है। बताया कोई पथराव वगैरह की भी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो आपस में कर रहे थे भाई, अपने ऊपर ही पथराव क्यों करेगा? पथराव जब हो के हम उसका विरोध कर रहे हो तब पथराव होगा। ठीक है, ठीक है। क्या मामला है यहाँ पे? मेरा नाम ओमवीर है और मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, और यहाँ पर ये पार्क जो बना हुआ है ग्राम समाज की जगह है, और ये काना माखन मिलेनियम स्कूल है यहाँ पर, तो यहाँ पे इनके बच्चे भी खेलते हैं। तो इन्होंने बात की, यहाँ से हमारे प्रत्याधीन जो भी हैं यहाँ पे, इनसे बात की पार्षद साहब से, तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे तब तक खेला करेंगे, तब तक हमारा कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं आया करेगा। ठीक है, अच्छी बात है।
उसके बाद में क्या है, इन्होंने बाउंड्री लगाई वहाँ पे, पहला गेट लगाया, इनको वार्निंग दी गई कि आप गेट क्यों लगा रहे हैं, इन्होंने फिर भी नहीं मानी और इन्होंने गेट लगा लिया। इन्होंने तीन दिन का अभी यहाँ पे ये हुआ, ये वहाँ पे गेट बना रहे थे, यहाँ पे आए लोग, लोग आने के बाद उन्होंने कहा कि पार्षद साहब भी आए, उनका डॉक्यूमेंट दिखा दो, अगर आप बना रहे लीगल है तो बनाइए और अनलीगल है तो तोड़िए। इनको इन्होंने आधे घंटे का टाइम मांगा, आधे घंटे का टाइम इन्हें दिया गया, ये कोई भी सबूत इनको पेश नहीं कर पाए। उसके बाद पब्लिक ने आके सारा तोड़ दिया। अच्छा, कितने लोग थे यहाँ पे? यहाँ पे करीब 100-150 और ज़्यादा लोग होंगे, 200-250। स्कूल की तरफ से क्या कह रहे हैं हम लोग? स्कूल की तरफ से सर सब मुंह मोड़ रहे हैं, प्रिंसिपल साहब से बात की हमने, तो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं हमसे कि हु आर यू, मतलब हम कौन हैं, ये कह रहे हैं वो, हम तो नहीं पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे हैं सरकार, आप अंदर पढ़ाई कराते हैं, एक आना माखन मिलेनियम स्कूल है, ये शायद हमारे शहर की शान है शान, तो आप ये बताओ, आप अंदर तो बच्चों को शिक्षा देते हैं कि किसी से आप ईमानदारी से पेश आएँ, और आप बच्चों के सामने ही आप अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है ना, तो वो मेरे पे डांट के पड़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये दीवारें हटे और यहाँ बच्चों को खुली परमिशन दी जाए, क्यों? क्योंकि ये ग्राम समाज की जगह है।